सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि वीडियो हमारा आप मिस ना कर पाएँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? कुछ हेल्दी बनाते हैं एप्पी मसाला नूडल्स। हेल्दी इसलिए कि मैं इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा वेजिटेबल यूज़ किया है। दो एप्पी नूडल्स लिया है और इसके साथ जो है दो टेस्ट मसाला जो इसके अंदर ऑलरेडी आता है वो यूज़ किया है। नूडल्स को हेल्दी बनाने के लिए कुछ वेजिटेबल यूज़ किया है। प्याज एक बड़ा साइज़ का यूज़ किया है, मीडियम साइज़ का टमाटर, एक गाजर, एक कटोरी मटर, हरी मटर करीब करीब हाफ कटोरी से ज़्यादा, बीन्स, दो हरी मिर्ची यूज़ किया है। इसके लिए कुछ मसाला भी यूज़ करना है, जैसे मिर्ची, धनिया, जीरा पाउडर, हल्दी और नमक। ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी हेल्दी बनेगा ये। तो चलते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं। इसमें करीब 2 चम्मच के आसपास तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज के साथ साथ दो हरी मिर्च भी डाल देंगे। प्याज को 1 मिनट पका लेंगे। प्याज पक गया है। अब इसमें जो है जो नॉर्मल मटर है वो मैं डाल रहा हूँ। आप अगर फ्रीजन मटर डालेंगे तो वो बहुत जल्दी पक जाता है। नॉर्मल मटर है तो थोड़ी सी इसको पकाएंगे, 1-1.5-2 मिनट के आसपास पकाएंगे। और इसके साथ साथ गाजर और बीन्स ये सब भी पका लीजिए, क्योंकि ये सब को भी पकने में 2 मिनट टाइम लग जाएगा, तो सभी को एक साथ ही पका लेंगे। ये वेजिटेबल ही जो है ये एप्पी नूडल्स को हेल्दी बनाएगा। एक से 1.5 मिनट पक चुका है। अब इसमें टमाटर भी डाल देंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, उसके बाद मसाला डालेंगे इसमें। लो मीडियम फ्लेम पे पका लीजिए इसको। टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, अब बिल्कुल कम कर लेंगे फ्लेम को। मसाले वाले चम्मच से 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। टेस्ट मसाला जो होता है उसमें भी नमक होता है, तो नमक बिल्कुल कम डालेंगे, करीब करीब ये भी 1/2 चम्मच के आसपास डाल दिया। मसाला को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे करीब करीब 1 मिनट मसाला पका लेंगे। मसाला पक चुका है, अब इसमें जो है टेस्ट मसाला है दोनों पैकेट डाल देंगे। इसको भी करीब 30 सेकंड पका लेंगे। अब इसमें पानी करीब 350 ml डाल दिया है। फ्लेम को हाई कर देंगे। अब पहला उबाल आने तक जो है ढककर इसको पकाएंगे। पहला उबाल आ चुका है, फ्लेम को कम कर लेंगे। अब इस एप्पी नूडल्स को चाहे साबुत डाल सकते हैं या फिर तोड़ कर डाल सकते हैं। मैं इसको क्रश करके तोड़ लेता हूँ। इस तरह से तोड़ लिया है, अब इसमें डालेंगे। इसको अच्छे से इसमें डिप कर देंगे, सॉफ्ट होने तक हिलाते रहिए ताकि सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद मसाला को फिर मिक्स करेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको ढककर 1 मिनट पका लेंगे। एक बार खोल कर इसको मिक्स कर दीजिए अच्छे से।
फिर से ढक दीजिए। आधा मिनट पकने के बाद ढक्कन खोलकर मिक्स कर दिया अच्छे से, फिर से आधे के मिनट पका लेंगे। बिल्कुल सही पका है और पानी भी नहीं है। बताइए अब हेल्दी है या नहीं? बिल्कुल सही बना है। चलिए इसको एक सर्विंग बाउल में निकालते हैं। इसको ये काफ़ी टेस्टी और हेल्दी है। अपने घर में इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने फैमिली के साथ इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।